मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे पहाड़ और पहाड़ों में एल्पाइन लेक्स हमेशा से ही पसंद थे। तो सोचा क्यों ना आज ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पहाड़ और लेक दोनों हो। सुबह की पहली बस में लंबा सफर करने के बाद हम पहुँच गए गांदरबल टाउन के नारानाग विलेज में, और हमारे प्लान के हिसाब से हमें आज ही ट्रैक स्टार्ट करना था। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, और मेरी टीम फुल जोश के साथ तैयार बैठी थी कि हमें आज ही ट्रैक करना है। बट उन्हें नहीं पता था कि ये कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये उनका पहला ट्रैक था और ना ही वो इससे पहले किसी एल्पाइन लेक पे गए थे। तो थोड़ा सा बात करने के बाद मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो गया जी। अब यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, एंड आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है 15 किलोमीटर का, तो आप नहीं जा सकते। अब यहीं पे करेंगे रात को स्टे। तो नारानाग फेमस है अपने कुछ ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस के लिए, और यहीं से एक ट्रैक रूट जाता है जो ले जाता है हमें गंगल लेक। तो पहले मैं आपको इन चारों से मिलवा लेता हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ अरसलान, मेहरा और इसका नाम सेम है। ये है असरार, ये दाऊद भैया, एंड ये है ताकिर भैया। हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम ये ट्रैक कर रहे हैं साथ में। तो कल हमने एक घोड़े वाले के साथ बात की थी जिसको हमारा सामान ऊपर ले जाना था गंगल तक, तो अभी शायद वही आ रहा है, तो हम देखने जा रहे हैं वही है या कोई और। सो गाइज, वी आर गुड टू गो नाउ। ये देख सकते हैं आप, घोड़े के ऊपर हमने सारा सामान रख दिया है, और ये सारा अपना सामान यहाँ से। अभी असरार का वेट हो रहा है, वो आएगा एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए अब यहाँ से खूबसूरत सीन्स। तो इट्स 7:23 एंड निकल गए जी हम अपने गंगबल के सफ़र पे, और हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग आज की। ये देखिए जी यहाँ पे ये घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाह, नीचे हमने कैंपिंग की थी रात को, और सुबह के यहाँ के सीन्स बहुत ही क्रेजी थे, वो आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। बाकी दिस इज़ गोइंग टू बी फन। ये एक पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क मिलता है, तो अभी ये घर वालों को कॉल कर रहे हैं और मुझे भी अपना फ्रेंड कॉल कर, तो मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ। ये है जी वो पॉइंट जहाँ पे हमने कल स्टार्ट करा था, लेकिन बारिश होने की वजह से हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। और ये देखिए आप यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ से हमें जाना है। ये अभी है हम नारानाग में, और अभी हमें यहाँ जाना है, और हमें जाना है गंगबल लेक। तो ये रहा जी रास्ता, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। ये दिखा रहा है 2420 रुपीज़, बट पोनी के लिए हमने 1500 दिए, उसको बहुत मनाना पड़ा उसको पहले, बट या फिर उन्होंने माना, तो हमने उनको कल ही फिर 500 दे के रखे थे, एंड आज वो आए सुबह सुबह और हम निकल गए। लोगों को लगता है हम ट्रैवल करने जाते हैं ताकि नई जगह घूम सके एंड नए लैंडस्केप्स देख सकें, बट हमेशा से ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ताकि कुछ चीज़ों का डर जो हमारे अंदर है उसका सामना कर सके, और इस कंडीशन में ट्रैवलिंग फन से ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और आज का हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि आज हमें 4-5 पहाड़ क्रॉस करने थे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये लेक 12,500 फीट की ऊंचाई पे थी। और ये देखिए अभी कितना स्टीप है आगे से, यहाँ से हम ऊपर आ गए इतना, यह सारा रॉकी पैच है। यहाँ से ट्रैक का सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल हमारे लिए यही है कि हमें 12,000 फीट पे चढ़ना है, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, एंड अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये देखिए मेरी टीम पीछे चल रहा हूँ ताकि कोई पीछे ना रह जाए, दैट्स व्हाई आई एम पीछे चल रहा हूँ।
अभी हम पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं और देखिए बीच रास्ते में पहुंच गए हम। अब ये वाला रिज जो है इसको क्रॉस करना है, उसके बाद दूसरा रिज आएगा। बाकी 2 बंदे अभी पीछे हैं, तौकीर भैया और दाऊद भैया, उनका वेट हो रहा है अभी, और असरार चल रहे हैं आगे। तो पिछले फ्रेम के थोड़े ही बाद हमको ये हट सा मिला इस ट्रैक के बीचों बीच, और ये देखिए आप यहाँ से नज़ारे, और हमारे बंदे नीचे शूट कर रहे हैं, देखो कितना नीचे अभी, और हम हैं यहाँ पे। बट हम चल रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोगों ने, इतना सारा ट्रैश यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे आते हो, इतना सारा लोड हम लेके आते हैं, फिर हमको चढ़ाने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन वापस ले जाने में मुश्किल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता क्यों खाली होता है, सब कुछ सामान खाली होता है, फिर भी हम ये सब करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैश है यहाँ पे, भाई बहुत बुरा लगता है यार ये सब देख के। नेचर के मजे लेते हो, फिर इसी नेचर को खराब कर देते हो, और क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैश है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं आगे आते हैं वक्त थोड़ा सा उठाएंगे जितना हमसे हो पाएगा, और हम कोशिश करेंगे अपना जो भी हमारा हमारे सामान का जो भी ट्रैश निकलेगा वो हम साथ ही लाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी। देखिए भाई लोग यहाँ से नज़ारे, वाह। देखिए यहाँ पे पहुंचे हम, और यहाँ पे कुछ अलग ही सीन्स हैं। रूट्स देखिए आप कैसे हैं बाहर निकले हुए, क्या लग रहा है ब्रो ये देखकर। अस्सलाम वालेकुम। भैया आ गए आप ऊपर जी, आ गए आप ऊपर। हाँ मैं चढ़ गया जी। कहाँ पे पहुंचे आप? मैं पहुंचा मैगी पॉइंट से थोड़ा नीचे, मैगी पॉइंट तक अभी मुझे 20 मिनट लगी, आधा घंटा। आप खुद आ रहे हो, पापा आ रहे हैं आपके? दोनों दोनों। ठीक है ठीक है। आप कहाँ पहुंचे? हम भी पहुंचने वाले मैगी पॉइंट के पास। ठीक है ठीक है। हाँ चलो ठीक है ठीक है, ओके ब्रदर। अभी हमें आधा घंटा लगेगा ऊपर तक आने में, जहाँ पे मैगी पॉइंट है, और इन्होंने बोला है ना कि आप चाय पी लो और आप निकल जाओ वहाँ से, तो ये खुद आएंगे फिर। उनको आदत होती है इसलिए उनको टाइम, तो पता नहीं इनको इतना टाइम क्यों लगा, बट स्टिल हम चल रहे हैं अभी, एंड हम भी मैगी पॉइंट के पास पहुँचने वाले हैं। बट यहाँ से ना बिल्कुल डिफरेंट सीन्स है, देखो कितने पत्थर और ये रूट्स वगैरह, ऐसे था ये ऐसे, हाँ इंक्लाइन ज़्यादा है ना, स्टीप बहुत है। देखिए अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे, और ये देखिए लाइटनिंग की वजह से क्या हो गया यहाँ से, ओह माय गॉड, ख़त्म है ब्रो ख़त्म। और ये देखिए यहाँ से माउंटेंस, वाह। ये ख़त्म हो गया था हमारे पास, बट अब यहाँ पे मिल गया थोड़ा पानी, ये नीचे से ही निकल रहा है कहीं अंदर से ही, ठंडा है लेकिन, लेकिन ठंडा है बहुत। अभी बाकी टीम पूरी पीछे है, बस हम दो आगे आए हैं, बाकी सब लोग अभी पीछे हैं, 3 बंदे हैं हमारे वो पीछे ही अभी, और हम आगे आ गए हैं। बॉटल में भर। मैगी पॉइंट यहाँ पे आपको मैगी वगैरह मिल जाती है, देखो मैगी पॉइंट ढाबा, यहाँ पे आपको सब कुछ मैगी वगैरह मिल जाती है। और ये देखिए यहाँ से सामने से पहाड़ के सीन्स, वाह। हाँ हम चलेंगे, हाँ पी लो चाय। ये देखिए भाई घोड़े हमारे आ गए। पिछले कुछ टाइम से हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, सिर्फ घोड़े आ रहे हैं वहाँ से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं ब्रो। तो फिर से घोड़े, आगे भी घोड़े, पीछे भी घोड़े, और हम बीच में। हम देखो कहाँ से चल रहे हैं, पहाड़ से बिल्कुल ही दूर ऊपर की तरफ से चल रहे हैं हम। लैंडस्केप आप चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है, बहुत ही बढ़िया, वाह। देख लो यहाँ स्टीपनेस,
वाव ब्रो, बहुत स्टीप है ना यहाँ से। ऊपर से ट्रैकर स्वाप्स आ रहे हैं और हम अब जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पहुँच गए हैं और देखे हमारे बंदे अभी कहाँ हैं। यही है, हाँ यही देखो ना, इनके पास है। हाँ ठीक, पहुँच गए हम, थोड़ा सा ही रह गए हैं कैंप के पास, ऑलमोस्ट पहुँच गए, बस अब यहाँ से कम टाइम लगेगा। देखो ग्लेशियर भाई ऊपर, बहुत ही खूबसूरत यार, खूबसूरत नज़ारे, ग्लिम्प्स ऑफ माउंट हामुक। देखिए खूबसूरती इस पहाड़ की, वाह। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वो है माउंट हरमू, और अभी हम इसके नीचे हैं। स्लान निकलियर स्लान आगे जा चुका है, अभी हम बैठते हैं यहाँ पे रेस्ट करने आएंगे। ये देखिए सामने से व्यू, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार। एंड और ये देखिए आप यहाँ से वो रिज जो है, वो रिज ये हमें क्रॉस करनी है, एंड उसके बाद लेक हमें और आपको देखने को मिलेगा। तो इस रिज को पहले क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए, लेक यहाँ पे भी नहीं था रिज के पास, मतलब वो रिज था और उसके पार हम आए, लेकिन यहाँ पे भी लेक नहीं था। अब जो हमारे बंदे हैं वो देखिए वो कहाँ पे है अभी, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम चलते हैं आगे, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होगा, एंड आपको भी दिखाएंगे। फिर से एक रॉकी पैच, एंड स्टिल अभी तक लेक के पास हम नहीं पहुँचे हैं। देखते हैं आगे क्या सीन्स रहेंगे। मुझे लग रहा है कि फील आ रही है भाई। तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होगा भाई, जब तक हम लेक को आंखों से ना देखें। स्टिल नथिंग ब्रो, कुछ नहीं है अभी। एक और ये पैच है यार, फिर से क्रॉस करना पड़ेगा उसके ऊपर ही। हाँ ब्रो ये 15 किलोमीटर है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमने निकाला आज। तुम्हें क्या लगता है? अभी हमें हो गए 5-6 घंटे चलते चलते, और आई थिंक हमने 15-16 किलोमीटर्स निकाले होंगे चलते चलते ऐसे। एंड अभी तक नथिंग ब्रो यार, कुछ नहीं है आगे, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, लेक का कोई निशान ही नहीं है। बस वहाँ से पानी आ रहा है ना, उससे लग रहा है कि लेक है ना वहाँ, वो जो दिख रहा है वो वहाँ से आ रहा है, तो उसके ऊपर है मे बी शायद। हम अपने आपको सुबह से यही होप दे रहे हैं कि वो है रिज के उस पार। अभी तक हमने 5-6 रिज क्रॉस करके आए हैं, एंड स्टिल अभी तक हमें लेक नहीं मिला। हमारे बंदे जो है घोड़े वाले तक को हमने पीछे छोड़ा, घोड़ा वाला जो था हमारे साथ उसको भी हमने पीछे छोड़ा। 2 बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो भी बहुत पीछे, अभी उनको अभी हमारे तक पहुँचने में शायद 1/2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। ब्रो फाइनली मेड इट यार, ये देखिए जी फर्स्ट ग्लिम्प्स यहाँ से दूर से ही, बट वाह फाइनली हम पहुँच गए और लेक दिख गया हमें, एंड अभी आपको भी दिखाएंगे। सो थोड़ा वेट करिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी ये रहा लेक, वाह ब्यूटीफुल ब्रो, टोटली ब्यूटीफुल। ऊपर ग्लेशियर देखिए और माउंट हारमुक के साथ यहाँ पे लेक नंदकोल, और ये यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। देखिए लेक यहाँ से एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ। अभी 10 मिनट हो गए हमें यहाँ पे, और ठंड पता है कितनी है मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ठंड है ब्रो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब मैंने जल्दी से हुडी निकाली और पहनी, बट स्टिल मुझे ठंड लग रही है। तो पहले वापस जाते हैं इस साइड से, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम वहीं पे कैंप करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल चलते हैं, यहाँ से रॉकी पैच है, अगर गिर गया तो इसलिए नहीं चलते।
अपना कैंप सेट किया वहाँ साइड एंड अब खाना वाना खा लिया हमने, अब हम जाएंगे गंगबल लेक पे। तो पहले चलते हैं ऊपर, उसके बाद दिखाते हैं आपको वहाँ के कुछ नज़ारे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से रॉकी पैच एक, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं यहाँ से, एज यू कैन सी। और ये देखिए नंदकुल, और ये माउंट हरमुख आपके सामने। फिलहाल हम चलते हैं गंगबल लेक की तरफ, तो चलिए चलते हैं। माउंट हरमुख पे, और ये है नंदकुल, ये है इसका, इस पर जब ये पिघलता है तो इसका पानी नीचे आता है, और इसका मेन सोर्स है गंगबल लेक, जो ऊपर से उसका पानी यहाँ आता है और उस लेक में फ्लो हो जाता है फिर। तो अभी हम चल रहे हैं लेक की तरफ, फिलहाल बोल रहे हैं आगे रास्ता ही नहीं है, फिर वी विल ट्राई टू क्रॉस दिस स्ट्रीम। चलो जी, मन कर रहा है इन नज़ारों को आँखों में समेट लूँ भाई, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ना अब मन नहीं आ रहा है, मुश्किल है ब्रो वहां से निकलना। पहुंच गए गंगबल लेक पे एंड अभी आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत लेक है एंड बहुत वहाँ से बहुत आगे चलना पड़ा हमें। वाले साइड से जहाँ से पूरा लेक दिखेगा हमें, और फिर वहाँ से व्यू देखेंगे कि वहाँ से कैसा व्यू होता है। बाकी लेक इस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हालत ख़राब हो गई है चलते चलते आज दिन भर, और हम आज ही लेक के पास आ गए। कैसा लग रहा है भाई? मस्त है भाई, एकदम बढ़िया। बहुत मेहनत चल रही है यहाँ पे, अरसलान ने ये बनाया और असरार ने इतना बड़ा, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। और ये है लेक का व्यू यहाँ से। आ गए जी हम गंगबल लेक से वापस, और ये देखिए माउंट हरमुख। We are heading back to our camp. तो मिलते हैं अब वहीं आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आने के बाद हम रास्ता ढूंढ रहे थे क्रॉस करने के लिए,
बट क्रॉसिंग के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा, ये ओवर वाइड होती जा रही है। सो देखते हैं अगर आगे मिली कहीं जगह। बाकी ये देखिए यहाँ से व्यू, रेड लाइट ऑन द माउंटेन्स। से वापस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नीचे तक हमें कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखते हैं अगर ऊपर मिला रास्ता। नीचे से ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे जगह मिली, बट असरार फिर से ऊपर चले गए हैं। अभी वापस आएंगे फिर यहाँ से छलांग मारेंगे। और ये देखिए यहाँ से व्यू लेक का, एंड ये वाला व्यू देखिए माउंटेन पे वो गोल्डन लाइट जो पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एंड लेक का भी स्टिल हम अभी चल रहे हैं, बट मज़ा आया, लेकिन बट बहुत मज़ा आया। और ये देखिए व्यू, वाव, रेड लाइट ऑन माउंट हार्मुक। और बाकी बंदे भी यहाँ से सीन्स के मज़े ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया सीन्स हो रखे हैं अभी यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे, बट हमने फिर शूट वगैरह किया पहले, एंड अब थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और हम पानी भी वहाँ से भर के लाएंगे बॉटल्स में, क्योंकि हमने कल से एक बूंद पानी नहीं पिया, बिकॉज यहाँ का जो पानी है उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा स्मेल आती है, एंड वहाँ से जो है वहाँ से साफ पानी है, तो हम वहीं जाएंगे, वहाँ से पानी लाएंगे और वहीं आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अब चाँद जो है वो गायब होने वाला है उस क्लिफ के पीछे, माउंट हार्मुक के पीछे। अब ये नीचे जाएगा, ये लॉस्ट शॉट है इस चांद का, उसके बाद नहीं देखने को मिलेगी, इसी बार देख लो। पानी वानी फिल किया हमने बॉटल्स में, अब निकल जाते हैं यहाँ से वापस, और फ्रेश भी हो गए हम। तो चलते हैं, एक बार आपको लास्ट व्यू दिखाते हैं इस जगह का, एंड चलते हैं। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, चिल्ड वाटर से हमने आज मुंह वगैरह धोया, एंड हमने बॉटल्स भी फिल की, क्योंकि वहाँ से जो पानी है वो स्मेल आती है, यहाँ का पानी साफ है। तो हम जा रहे हैं वापस अपने कैंप साइट पे, अब वही मिलते हैं आपसे। और अब समय आ चुका था इस जगह को बाय बोलने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट थी एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं पाया, वो था कनेक्शन जो इन लोगों से बना था, जो अनजान से दोस्त और दोस्त से कब फैमिली बन गए पता भी नहीं चला। आखिर में यही फैसला लिया कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो से ज़रूरी थे ये लोग जो अभी मेरे साथ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।